अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब न्यूज़ HD। अब न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मामू खान जिनसे उसामा जुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करके सीनियर वकील की फसल कमाद उजाड़ कर ज़रई एराजी पर कब्जा की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने एक मुलजिम को मौका पर गिरफ्तार कर लिया जबकि दीगर पांच फरार होने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक चक 509 गाफे के एक सीनियर वकील सैयद नईम अली शाह ने 15 पर कॉल करके मकामी पुलिस को इतला दी कि मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद खालिद और मोहम्मद साजिद पसरान अब्दुल हमीद आरई दीगर तीन कस के हमरा इसकी मलकीती एराजी पर सीना जोरी से कब्जा की नीयत रूटावेटर चलाकर फसल कमाद तबाह कर रहे हैं जिससे उसकी फसल का 1,95,000 का नुकसान हो गया। वाकये की इतला पर मकामी पुलिस ने फौरी जाए वकुआ पर पहुँच कर एक मुबैना मुलजिम साजिद को हिरासत में ले लिया जबकि दीगर फरार होने में कामयाब हो गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।